गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आप रिमलाइट का जो मॉडल के पीएनजी का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाओगे उस पर आने वाली है। सो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना तभी आप प्रोफेशनल तरीके से रिमलाइट बना पाओगे। तो उसको यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, तो पिछली वीडियो जरूर से चेकआउट करना। तो गाइज चलिए गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज सबसे पहले आपको जो भी आपका बैकग्राउंड है उसको ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट में, क्योंकि इससे हम वो कलर चूज़ करेंगे हमारी रिम लाइट के लिए। एंड यहाँ से जाना है इसको ड्रॉ में, एंड ड्रॉ में जाने के बाद आपको अपने मॉडल की इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ से ऐड कर लिया है, देखिए गाइस इसको ऐड कर लिया। एंड इसको ऐड करने के बाद आपको इसका बना लेना है एक कॉपी, एंड जो नीचे वाली इसको कर देना हाइट। देखिए गाइस अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ से, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। एंड यहाँ से बनाना है एक एम्प्टी लेयर, एंड इस पर आप कोई भी कलर फिल कर देना जो आप चाहो। यहाँ से शेप्स में जाकर इसको कर देना फिल, यहाँ पर आप पूरे में आपको इस तरीके से फिल कर देना है। एंड इसको इसके नीचे रखना है गाइस। इसको नीचे करने के बाद जो आपकी ऊपर वाली लेयर है आपके मॉडल की, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको कर देना है एक्स वार जोर, एंड इन दोनों को कर देना है यहाँ से मर्ज। एंड यहाँ से गाइस आपको ये यहाँ से बनाना है एम्प्टी लेयर। एंड यहाँ से आपको जो भी कलर आपको रिम लाइट पे चाहिए वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से देखिए गाइस ये बैकग्राउंड में से, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये बैकग्राउंड वाली लेयर को कर देना है ऑफ। एंड यहाँ से अब वापस से जाना शेप्स में, एंड इसको यहाँ पर इसके ऊपर कर देना फिल कुछ इस तरीके से। एंड अब इसका आपको गाइस जो आपने ये कलर फिल किया है इसको इसके मॉडल के बीच में रखना बिल्कुल। एंड जो ऊपर वाला है इसका आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके कर देना है एक्स वार, एंड यहाँ से कर देना है राइट। तो ये आपका बिल्कुल रिम लाइट का ये बन जाएगा। एंड आप अपनी फ़ोटो पर कैसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक के देख लो। एंड इसको यहाँ से कर देना है सेव। एंड इसको आप यूज़ कैसे करना है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, तो पिछली वीडियो ज़रूर से देखना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।